आप मुझे पुपरी ऑफिशियल के जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन चल रहा है, तो जनकपुर नगर परिषद का नामांकन अपडेट अभी तक हमारे पास जो भी आया है और जो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उस सब के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। जनकपुर नगर परिषद के किन उम्मीदवार ने किन पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, उस सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य पार्षद पद के लिए, यानी कि सभापति पद के लिए आज किन किन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। आज सभापति पद के लिए कुल 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और एक कल किए थे, कल सरनागा सिंह जी ने किए थे नामांकन दाखिल। तो अभी तक सभापति पद के लिए कुल 4 उम्मीदवार हो चुके हैं। तो चारों उम्मीदवार के आपको नाम बताते हैं। आज जो नामांकन दाखिल किए हैं, नैना खातून, शिवाचंद्र मिश्र और इंद्र कुमार ने आज नामांकन दाखिल किया है और सरनागा सिंह जी ने कल ही नामांकन दाखिल कर दिया था। इस तरह सभापति पद के लिए कुल 4 उम्मीदवार अभी तक नामांकन दाखिल करा चुके हैं। अब बात करते हैं उप मुख्य पार्षद पद के लिए किन किन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, यानी कि उप सभापति पद के लिए जिन जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया उनके बारे में हम आपको बताते हैं। कल तक उप सभापति पद के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन आज कुल 5 लोगों ने उप सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जो इस प्रकार हैं: राजभूषण प्रसाद, मदन कुमार, आशीष कुमार, अशरफ अली और मोहम्मद तबरेज ने उप सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अब बात करते वार्ड पार्षद पद के लिए किन किन लोगों ने किस वार्ड से नामांकन दाखिल किया उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता हुआ, कल सिर्फ वार्ड नंबर 10 से सुशीला देवी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज बहुत से लोगों ने वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। तो हम बात करते हैं एक एक करके किस वार्ड से किसने नामांकन दाखिल किया है। तो वार्ड नंबर 1 से नामांकन दाखिल किए हैं अफरोजा ने, वार्ड नंबर 3 से हसनैन मंसूरी, वार्ड नंबर 6 से अमरीका देवी, वार्ड नंबर 7 से जयकाला देवी, वार्ड नंबर 9 से नागेंद्र शाह और सुरेश शाह ने नामांकन दाखिल अभी तक कर दिया है, वार्ड नंबर 10 से सुशीला देवी, वार्ड नंबर 11 से दुर्गा देवी, वार्ड नंबर 12 से कलमुखिया देवी, वार्ड नंबर 16 से मुरारी कुमार, वार्ड नंबर 19 से रेवती देवी, वार्ड नंबर 20 से नारायण ठाकुर, वार्ड नंबर 21 से अब्दुल खालिक और वार्ड नंबर 24 से विभा कुमारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जनकपुर नगर परिषद में अब कुल 25 वार्ड हो चुके हैं। हम जिन वार्ड के बारे में नहीं बताए आपको, तो उन वार्ड में अभी तक नामांकन दाखिल नहीं हुआ, एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। तो हम लोग पास कल जो भी अपडेट आएगा तो आपको इसी तरह से आपको बता देंगे कि अभी तक कितने लोगों का नामांकन दाखिल हुआ है। आप सभी लोगों को पता है कि ये नामांकन प्रक्रिया 19 सितंबर तक चलेगी। जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा आपको बताते जाएंगे और जो भी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो भी अपडेट आएगा उस सब के बारे में आपको बताते रहेंगे हम। आप इसी तरह पुपरी ऑफिशियल के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और हम लोग आपके लिए इसी तरह सभी प्रकार के अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप हमको YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ऑप्शन आता है, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और Facebook पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो का ऑप्शन आता है, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेट मिलता रहेगा। अगर आप पुपरी ऑफिशियल को Instagram पर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको घर से दूर रहने का जरा सा भी एहसास नहीं होगा, क्या है कि हम लोग हमेशा वहाँ लाइव आते रहते हैं। अपने पुपरी के आसपास का जो भी कुछ होता है, जो भी जैसे दुर्गा पूजा या छठ या जो भी कुछ होता है पुपरी के आसपास का, हम लोग दिखाते रहते हैं और मस्ती मजाक भी करते रहते हैं जो इंस्टाग्राम पर करते हैं। इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ लाइव बात भी कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का हाल भी जान सकते हैं। ये